वंडर बैंकिंग। देखिए आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर इट इज एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, नैनीताल बैंक पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क, या फिर कोई भी इंश्योरेंस एग्जाम जो हमारी स्पीड है वो हर एक एग्जाम में हमें उसकी जरूरत होती है। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे कैसे हम सेकंड्स में आंसर निकालें, कैसे हम कठिन सवाल को बिल्कुल आसान बना दें और पलक झपकते ही हमारा आंसर कैसे निकलेगा। तो आज के सेशन में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। ऐसे ही कमाल के शॉर्ट ट्रिक्स को देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप IBPS PO एंड क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्री एंड मेंस की स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आपको बस इतना करना है, आपको YouTube पर सर्च करना है वंडर बैंकिंग प्रिपरेशन बाय महक राठी एंड वहां आपको IBPS PO एंड क्लर्क की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एज ये दोनों एग्जाम्स मैंने खुद क्लियर किए हुए हैं तो करंट एग्जाम के सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकती हूँ कि राइट स्ट्रेटेजी क्या होगी एंड कैसे आपका एग्जाम क्लियर होगा। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आप टाइप करें @wonderbanking। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है वंडर बैंकिंग। लास्ट थर्सडे को मैंने शॉर्ट ट्रिक सीरीज सेशन स्टार्ट किया था तो आज थर्सडे है, मैं फिर से आपके लिए शॉर्ट ट्रिक वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज के इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स को सीखेंगे, कैसे सेकंड्स में आपका आंसर निकलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई का आंसर आप 2-3 सेकंड्स में निकाल रहे हैं। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक सीरीज सेशन पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने लास्ट थर्सडे को अपलोड किया था, वो सेशन भी बहुत ही मज़ेदार था तो उसे आप ज़रूर देखना। उसे देखने के लिए आप सर्च करिए शॉर्ट ट्रिक सीरीज सेशन बाय महक राठी। बाकी उस वीडियो का लिंक मैंने बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की अपनी फर्स्ट ट्रिक के साथ। इस ट्रिक में बस आपको काउंटिंग एंड बैक काउंटिंग आना ज़रूरी है, वो तो हम सभी को आता है। शॉक्ड हुए ना, बैक काउंटिंग एंड काउंटिंग? जी हाँ, बस आपको 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिवर्स काउंटिंग 5, 4, 3, 2, 1, बस यही आना ज़रूरी है। क्वेश्चन देखते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने आपको बताया आपको बस 2 स्टेप याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका काउंटिंग एंड सेकेंड स्टेप है आपका बैक काउंटिंग। तो ये जो नंबर है 11, इसमें कितनी डिजिट्स हैं? काउंटिंग 1, 2 लिख दीजिए, 1, 2। उसके बाद बैक काउंटिंग, तो 2 के बाद क्या आता है? 1। जी हाँ, हो गया सॉल्यूशन, यही करना है हमको। विश्वास नहीं हुआ ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं। नंबर को काउंट किया, कितने डिजिट्स है? 3। 1, 2, 3। सेकेंड स्टेप बैक काउंटिंग, 3 के बाद क्या आता है? 2। 2 के बाद 1। हो गया आंसर। नहीं विश्वास है ना? अभी कैलकुलेटर निकालिए, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, यही आंसर आएगा। आई थिंक आपने करके देख लिया होगा और आपको विश्वास भी हो गया होगा। फटाफट अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। बैक काउंटिंग 3, 2, 1, निकल आया आंसर। अब मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। 5 के बाद बैक काउंटिंग 4, 3, 2, 1। आई थिंक अब आपको विश्वास हो गया होगा, बहुत अच्छे से विश्वास हो गया होगा। तो इस लास्ट क्वेश्चन को आपको अभी वीडियो को पॉज करना है एंड अभी ट्राई करके इसका आंसर मुझे बिलो कमेंट सेक्शन में देना है। एंड इन 2 क्वेश्चंस को भी आपको अभी ट्राई करना है एंड बिलो कमेंट सेक्शन में मुझे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। देखा कितनी कमाल की ट्रिक थी, हमें बस कुछ भी नहीं करना था, बस काउंटिंग एंड बैक काउंटिंग आनी चाहिए थी। काउंट किया कितने नंबर्स हैं एंड बैक काउंटिंग कर दी, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक थी। चलिए अब मूव करते हैं अपनी सेकंड ट्रिक पे। चलिए आ गए हैं हम अपनी सेकंड ट्रिक पे। इस ट्रिक में हम ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई सीखेंगे जिनकी यूनिट डिजिट में आपको क्या देखने को मिलेगा? 1। चलिए सीखते हैं। इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको बस मध्य प्रदेश को याद रखना है। मध्य प्रदेश? जी हाँ, मध्य प्रदेश तो सबको ही पता है ना, शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम? MP। ठीक है, बस एक M और लगा दीजिए इस P को बीच में लाने के लिए। तो
तो चलिए अब इस ट्रिक को हम सीखते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको क्या बताया, आपको क्या याद रखना है, एम पी एम। तो एम फॉर मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वन का मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस, मीन्स यूनिट डिजिट को आप भूल जाइए। 9 5 14, 14 का 4 कैरी 1। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 9 5 जो 45 एंड 45 प्लस 1 46। लीजिए आ गया आंसर। पता चला कितनी ज़्यादा अच्छी ट्रिक थी, सेकंड्स में हमारा आंसर निकल आया। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं इस ट्रिक के साथ। तो मैंने आपको क्या बताया, ये एम पी एम मीन्स फर्स्ट स्टेप में आपको यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 1 क्या हो गया हमारा, 1। उसके बाद आपको प्लस करना है, यूनिट डिजिट को भूल जाइए अब। तो 8 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, 10। 0 कैरी हो गया हमारा 1। उसके बाद हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 2 16, 16 प्लस 1 17, 1701, और आपका आंसर आ गया। अभी मैंने आपको समझाया है तो इसलिए आंसर आने में इतना टाइम लगा है। अब मैं आपको फटाफट सॉल्व करके दिखाती हूँ। 1 × 1 1, 7 5 12 कैरी 1 एंड 7 5 जो 35, 35 प्लस 1 36। ये लीजिए फटाफट से आंसर आ गया। अभी देखिए इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाला नंबर है वो 3 डिजिट का है एंड नेक्स्ट वाला नंबर है वो 2 डिजिट्स का है। तो हमें क्या करना है, अपनी ट्रिक को फॉलो करना है, 1 × 1 1, उसके बाद हमें प्लस करना है। तो यूनिट डिजिट को छोड़ के जितने नंबर बच रहे हैं हमें उनका प्लस करना है। तो ऊपर 12 है, नीचे 8 है, तो 12 8 कितना हो गया, 20। 0 कैरी 2 एंड 12 8 जा 96, 96 प्लस 2 98। ये देखिए हमारा आंसर आ गया फटाक से। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाती हूँ। 1 × 1 1, 18 9 27, 7 कैरी 2, 18 9 जा 162, 160 प्लस 2 164। देखिए कितने बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई हमने सेकंड्स में निकाल लिया, मीन्स सेकंड्स में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर की यूनिट डिजिट में आपके पास 1 होना चाहिए। अगर दोनों नंबर के यूनिट डिजिट में 1 है तो आपके माइंड में ये ट्रिक ज़रूर आ जानी चाहिए कि एम पी एम। बस हो गया आपका सॉल्यूशन। चलिए ये मज़ेदार ट्रिक आपने सीख ली है, तो अभी वीडियो को पॉज करिए एंड इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे बिलो कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको आज का सेशन ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स जानने के लिए आप इस चैनल को जस्ट अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मज़ेदार ट्रिक्स मिलती रहे, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड इन्हांस होती रहे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसे ही कमाल के शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस मिलती रहें। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आप टाइप करें @wonderbanking एंड आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है वंडर बैंकिंग। अगर आप IBPS PO एंड IBPS क्लर्क की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे वीडियोस को आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये दोनों एग्ज़ाम्स मैंने खुद क्लियर किए हुए हैं। तो करंट एग्ज़ाम के सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकती हूँ कि अभी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको आपकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे स्ट्रेटजी को फ्रेम करना है। तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। उन वीडियोस को देखने के लिए आप सर्च करें बैंकिंग प्रिपरेशन बाय महक राठी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उन वीडियोस की लिंक मैंने बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। प्लीज़ उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें। मैंने प्लान किया है कि अब मैं आपके लिए वीक में 2 बार शॉर्ट ट्रिक सीरीज़ का सेशन लेकर आऊँगी। आई थिंक वीक में 1 बार बहुत कम हो जाता है, तो वीक में 2 बार अब मैं लेके आऊँगी। अब आपको मेरा नेक्स्ट सेशन मिलेगा मंडे को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं मंडे को मज़ेदार शॉर्ट ट्रिक्स के साथ।